हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। एक्चुअली मैं टाइम हो रहा है अभी 7:15 और आज मतलब मेरी मदर इन लॉ मम्मी आनंदपुर गई हुई थी, मतलब 28 की गई हुई थी, तो आज आ रही हैं और हम सब उड़ गए सुबह 4 बजे। इनफैक्ट राजीव तो 3 बजे ही उड़ गए और ध्रुव भी 4 बजे उठ गया, मैं भी उड़ गई और मैं तो सो गई थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रही क्योंकि उस टाइम बहुत नींद आ रही थी, बट अब पता लगा उनकी ट्रेन इतने घंटों लेट है तो हम 9 बजे हमको घर से निकलना है और 10:30 बजे तक पहुँचना है। आज पूरा सुबह से ही ऐसा दिन ऐसे मतलब ख़राब हो गया हमारा टाइम। तो पूजा वगैरह यहाँ पे हो गई है गुरु महाराज जी की और ये बच्चे तो हमारे साथ उठ ही जाते हैं। इनफैक्ट आज हाय बोल दो, हाय। तो अब जब निकलते हैं तब मिलती हूँ, उससे पहले अगर चाय वगैरह पीऊँगी तो देखते हैं, वरना क्या करना है क्योंकि नींद तो भरी हुई है आपको भाई देखते हैं। बस क्योंकि आज मुझे लगा था सैटरडे है, अब बढ़िया से आराम से उठ गई क्योंकि ध्रुव की छुट्टी होती है सैटरडे संडे, पर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए तो फिर मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस मैं तो मम्मी को ले जाने जा नहीं पाई क्योंकि फिर पापा के ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम हो गया था और आज उनकी ट्रेन मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मम्मी आई हैं 11:30 बजे घर पे, तो फिर मैं गई नहीं। और अभी मैं 5 मिनट पहले कमरे में गई हूँ तो धूप थी, खूब धूप थी, इतनी गर्मी। 5 मिनट बाद कमरे से आई हूँ तो एकदम मौसम चेंज भाई साहब, और चेंज तो चेंज और बारिश भी हो गई है। मौसम ने तो ऐसी करवट बदली है ना कि सीधा ऐसे था धूप, ऐसे होते ही बारिश। वाह बहुत अच्छा मौसम हो गया, देखो हवा चल रही है और खूब बढ़िया लग रहा है और इनफैक्ट ठंडी हवा चल रही है, गर्म भी नहीं, तो मज़ा आ रहा है। और अब बैठेंगे और आंधी बांधी भी चल रही है बढ़िया से, देखो कितनी तेज़ बारिश हो गई, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमें अपने भी कपड़े वपड़े उतार लें, जल्दी उतारो। ये देखो गाइस कितनी मोटी बारिश हो रही है। पापा आ गए, पापा भी गीले हो गए, पापा मारे, पापा मारे हैं। ये मौसम का जादू है मित्रों। ये देखो पता नहीं ध्रुव क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आ तो रही है बारिश, यहाँ हाथ करना, अरे इधर करना है, ये देख कम आ रहा है, देख गीला हुआ। आवाज कम कर एक मिनट। ये देखो मम्मी ने ध्रुव को क्या धोती पहना दी, पीछे तो हो ये किचकी बहू है, ये छोटी बच्ची किचकी बहू है, ये तो ध्रुव की बहू है। बच्चे तेरे पीछे भाग रहे, कौन आ गया जी, कितने जा रहे हो, दिखाइए ध्रुव शक्ल तो दिखा, कैसा लग रहा है पीछे हो, रुक जा, कोको कैसे कर रहा है, आइयो चल के आइयो ध्रुव, ध्रुव चल के आइयो, थोड़ा शक्ल तो दिखा। मम्मी के लिए बन गई है चाय, चाय छानी, और यहाँ भी पालक ठंडी हो रही है। इसकी पूरी शॉट देखने के लिए चैनल पे जाएं। ब्लॉगिंग में ये सब भी करना पड़ता है गाइस, ब्लॉगिंग करना दिखने में आसान लगता है पर असल में तो है मुश्किल, पर जिसने मुश्किलों को झेल लिया वो तरक्की पा गया, और ये देखो हम ना फिल्टर का पानी ना ऐसे कलेक्ट करते हैं, जो फिल्टर में से पानी निकलता है ना वेस्ट वेस्टेज, तो वो कितना वेस्ट होता है पानी, तो
तो हम ऐसे पाइप लगा के ना ऐसे ड्रम रखते हैं, उसको भरते रहते हैं। और ये पानी हम पोछे के लिए, गमलों में डालने के लिए, या कुछ वैसा कुछ धोने के लिए, पोछा वगैरह या घर की धुलाई करने के लिए यूज़ करते हैं ये पानी। तो सबको ऐसे अपने घर में करना चाहिए और पानी को सेव करिए। मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन। अब ये गाना, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा है? वो जल्दी जल्दी गा रही है। नहीं, वो जल्दी नहीं गा रहे, तुम इनके साथ गाओ ना। और ऐ वतन, गम की आंच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, शाद मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। ये हमेशा भूल रहा है। तो कल ध्रुव के स्कूल में है इसका सिंगिंग कंपटीशन, मतलब ग्रुप में गाना है वैसे तो। तो अभी हम दोनों कर रहे हैं प्रैक्टिस इसमें देख के विद लिरिक्स, तो देखते हैं फिर।